मंदिर तीर्थ न्यास के जमीन घोटाले के आरोपों पर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने पलटवार किया। पवैया ने कहा कि आरोप लगाने वाले वे लोग हैं जो आखिरी वक्त तक राम मंदिर निर्माण का विरोध करते रहे। मामले में न्यास अपनी बात कह चुका है, ऐसे लोगों को कोर्ट में ले जाना चाहिए और उनका माफीनामा भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं सिंधिया जी से मुलाकात को लेकर उन्होंने सामान्य मुलाकात बताया। जयभान सिंह पवैया से बातचीत की हमारे संवाददाता जुगल किशोर शर्मा ने। राम मूवी न्यास पर जो जमीन खरीदी है उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी के पार्टी कांग्रेस भी इसको लगातार मुद्दा बना रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जयभान सिंह पवैया हैं, महाराष्ट्र के सह प्रभारी हैं और साथ ही राम मंदिर आंदोलन के अगुवा भी रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि राम भूमि जो जन्म न्यास है, जो जमीनें खरीद रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन लोगों ने ये बात मीडिया के माध्यम से उठाई, कौन लोग हैं वो? जो सारे जन्म राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता रोकने के लिए ताकत लगाते रहे, एड़ी चोटी करते रहे। हम भी ट्रस्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अदालत में ले जाइए इन लोगों को। अनेकों बार केजरीवाल जी को कुछ नेताओं ने माफीनामा पर छोड़ दिया होगा, गडकरी जी और जेटली जी ने, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास को सीखचों तक इनको भेजना चाहिए, माफीनामा भी मंजूर न करें। क्या लगता है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है या इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस भी मैदान में आ गई, दिग्विजय सिंह लगातार ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ एक वोट बैंक है जिसको माइनॉरिटी वोट बैंक भी कहा जाता है, वो भट्टी है चुनाव में अपने तंदूर सेकने की कुछ पार्टियों के लिए। अब ये होड़ मची हुई है। एक सवाल आपसे, जो राजनीतिक सवाल जो अक्सर होता है कि सर सिंधिया जी मिलने आए थे तो क्या वो एक जो कहा जाता था कि लंबी समय से जो एक दूरियां थी वो खत्म हो चुकी हैं, बर्फ जमी थी पिघल चुकी है? देखिए, ऐसा है कि आज तो हम एक ही पार्टी परिवार के कार्यकर्ता हैं। उस जमाने में जब मैं अलग दल में था, वो अलग दल में थे, तब राजमाता जी से लेकर स्वर्गीय माधवराव जी के दुखद घटना तक मैं उनके परिवार में शरीक होता रहा। आज मेरे पिताजी चले गए और हम लोग कोरोना के संकट में पूरा परिवार आया, तो ये भारतीय संस्कार हैं कि एक कार्यकर्ता के अगर दूसरा कार्यकर्ता दुख बांटने आया, अगर कांग्रेस का कोई बड़ा छत्र मेरे घर मेरे पिताजी के चित्र पर फूल चढ़ाने आएंगे तो उसको भी आप स्वाभाविक ही लीजिए। तो जयभान सिंह पवैया जी, जिनका साफ कहना है कि जो राम मंदिर जन्मभूमि पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको जेल जाना होगा और ये केवल वोट बैंक पाने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है, उनका ये भी कहना है कि सिंधिया जी और वो अब मित्र हैं और इसमें कोई जो उनकी मुलाकात हुई इससे कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा।